नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चल न्यूज, आपकी आवाज़, और मैं हूं राजवीर सिंह। आज कमिश्नर का बिजनौर दौरा हुआ, जहां पर उन्होंने दुष्यंत कुमार पुस्तकालय का उद्घाटन किया। बिजनौर पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र में नवनिर्मित लाइब्रेरी कक्ष, पुराने लाइब्रेरी कक्ष का मंडलायुक्त ने किया जीर्णोद्धार। बिजनौर पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र का नाम परिवर्तित कर बिजनौर के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार के नाम पर रखा गया। दुष्यंत कुमार बिजनौर जिले के राजपुर नवादा के रहने वाले थे। बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव के ही रहने वाले देश के मशहूर कवि, हिंदी के पहले गजलकार दुष्यंत कुमार के नाम पर रखा गया। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार ने इस पुस्तकालय में बनाए गए दो कमरों का जीर्णोद्धार भी किया। बहुत दिनों से जिले के लोग मांग कर रहे थे कि दुष्यंत कुमार के नाम पर पुस्तकालय होना चाहिए। आज जिलाधिकारी के मार्गदर्शन और तहसील सदर बिजनौर के प्रयासों से बिजनौर पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र में नवनिर्मित लाइब्रेरी कक्ष और पुराने लाइब्रेरी कक्ष के जीर्णोद्धार का मंडलायुक्त द्वारा नाम परिवर्तित करके दुष्यंत कुमार कर दिया गया है। इस पुस्तकालय में रोजाना लोग किताबें पढ़ने के साथ छात्र और छात्राएं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। दुष्यंत कुमार के नाम पर पुस्तकालय का नाम पढ़ने से जिले के साहित्यकारों में खुशी की लहर है। इतना ही नहीं, दुष्यंत कुमार के पैतृक घर को भी संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जा चुका है।